नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन जो निकल रही है जिला कोर्ट या जिला न्यायालय से। ये वैकेंसी आपको मिल रही है जिसमें 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। हम आपको एक फॉर्म बता देंगे, उस फॉर्म में आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है लेफ्ट कॉर्नर में। उसके बाद में फर्स्ट कॉलम में आपको लिख देना फादर्स नेम, हस्बैंड नेम और जन्म तिथि। और उसके बाद में लिंक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैटेगरी लिख देनी है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों लिख सकते हो। इसके बाद में योग्यता संबंधित कोई प्रमाण पत्र, यदि आपके पास कोई अनुभव है तो लगा सकते हैं, यदि नहीं भी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये देख सकते हो अटेस्टेड कॉपीज, डेट ऑफ बर्थडे यानी कि जन्मतिथि का प्रूफ के लिए आप 10वीं की मार्कशीट का यूज कर सकते हो, या यदि आपके पास जन्मतिथि प्रमाण पत्र है तो वो भी आप काम में ले सकते हो। इसके बाद में ये तो हो गया फॉर्म का फॉर्मेट, इस प्रकार का फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिलेगा। अभी हम बात करते हैं, यहाँ इंटरव्यू डेट दिखाई गई है। जो पियोन से अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो इंटरव्यू होगा 13 मार्च को होगा, ABCD यानी कि चार कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो शरणनाम में पहले ए हैं, जैसे कि अशोक यदि किसी का नाम है तो फर्स्ट 13 मार्च को उनका इंटरव्यू होगा। 14 को होगा EFGHI, 15 को होगा JKLMN और 18, 19 ये देख सकते हो ये कैंडिडेट्स हैं इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू डेट भी दी गई है। ये इंटरव्यू डेट फाइनली चेंज हो सकती है, लेकिन आपको करना क्या, मैं एक ऑफिशियल वेबसाइट दे दूंगा, उस वेबसाइट के थ्रू आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये इंटरव्यू डेट चेंज होती है या नहीं। और जो प्रोसेसर सर्वर यानी कि 10वीं पास के लिए हैं ये प्रोसेसर सर्वर, उनका 5 मार्च से है इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं योग्यता, डेट एंड टाइम इंटरव्यू। इसके बाद में सीधा हम ले चलते हैं आपको इसमें एज क्राइटेरिया। तो एज 18 से लेकर 42 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ योग्यता संबंधी डिटेल्स भी उन्होंने बताई है, यानी कि प्रोसेसर सर्वर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10th पास होना है, देख सकते हो 10th पास, और नॉलेज होना चाहिए हिंदी और पंजाबी का। यदि आपके पास नॉलेज है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पियोन के लिए आप यहाँ देख सकते हो मिडिल पास मतलब 8वीं पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज का ये फॉर्म आपको कहाँ भर के भेज देना है, हम आपको डिटेल्स दिखा देते हैं। इसमें आपको पेमेंट मिलेगा 16,900 से 53,500 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। तो वेतन ऑलरेडी इसमें आपको अच्छा मिल रहा है। अभी हम बात करते हैं आपको फॉर्म कहाँ भर के भेज देना है। तो अभी आप देख सकते हो ये है इसका ऑफिशियल एड्रेस, जो वैकेंसी निकल रही है फतेहाबाद हरियाणा से वैकेंसी मिल रही है, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स से ये वैकेंसी आपको मिल रही है, फतेहाबाद हरियाणा से वैकेंसी मिल रही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा ओनली क्रोम ब्राउजर में, तो वहाँ से ही आप डाउनलोड कर पाओगे, क्योंकि इस वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है उसके तहत और यूसी ब्राउजर और जो भी ब्राउजर हो उसमें हो जाएगी, आप कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हो इसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगी, किसी प्रकार TA DA नहीं दिया जाएगा यात्रा के दौरान, तो ये डिटेल्स हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल संदीप ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना। और इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 14 फरवरी, 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आपका कोई एडमिट कार्ड जारी करेगा या नहीं जारी करेंगे उसका अपडेट हम आपको अलग से दे देंगे, लेकिन यहाँ इंटरव्यू डेट दिखाई गई है कि इंटरव्यू आपका कब से स्टार्ट होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ देख सकते हो सिग्नेचर कब का जारी हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है वो हुआ 29 जनवरी 2019 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और फतेहाबाद से ये वैकेंसी मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज से आपको वैकेंसी मिल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।